लोगे आज हम लोग जो है कि आज हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन में बाई ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे। बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करेंगे। इसको ये हाफ रिएक्शन मेथड से थोड़ा इजी है और इसमें लोड जो है कि अब आधा हो जाता है। लोड क्या हो जाता है, अब थोड़ा आधा हो जाता है। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और थोड़ा सा बस सावधानी रहना है। सावधानी क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त ध्यान भी देखना है और ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करते वक्त भी ध्यान देना है। इसमें जो पहला स्टेप है, स्टेप में शायद सारे लिखवा दिए थे, पहले फिर से हम लिख देते हैं एक बार। पहला स्टेप में क्या है, डिनोट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, ओके। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन शो कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 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 प्रिडिक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पता कर लेंगे। ठीक है, जब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पता लग जाएगा तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा आ जाएगा कैलकुलेट कैलकुलेट डिक्रीज एंड इंक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में हम ये पता कर लेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और कितना डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन में। अब ये डिक्रीज और इंक्रीज हमें पर एलिमेंट देखना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें बस करना ये है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इंक्रीज हो रहा है पर एटम,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, और जितना डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन में पर एटम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा, इसको नोट कर लिया होगा, फटाफट इसको नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और ये हमारा फोर्थ है यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लाई प्लाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन बाय बाय डिक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज इंक्रीज इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितना रिडक्शन रिएक्शन में डिक्रीज हुआ होगा उसको ऑक्सीडेशन में, और जितना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इंक्रीज हुआ होगा उसको रिडक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देंगे कि एलिमेंट बैलेंस करते हुए चलेंगे, एलिमेंट को क्या करेंगे बैलेंस करते हुए चलेंगे। यहां हमें दो रिएक्शन को अलग अलग नहीं लिखना है, हमें सेम रिएक्शन में सारा काम करते चलना है। जब ये काम हो जाए तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंस उसी तरह से करेंगे जैसे कि बाकी रिएक्शन में हमने किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब हम पांचवें स्टेप में बैलेंस करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H प्लस एंड H2O इन एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक मीडियम एंड एंड यहां पे एडिंग हो जाएगा एंड बाय एडिंग OH माइनस एंड IMG, OH माइनस एंड H2O इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो अब हम यहां पे बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में जो है कि उसी तरह से करेंगे, और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो तो चेक कर लेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं, दोनों साइड में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है कि नहीं। ठीक है, लास्ट में हमारा सिक्स स्टेप हो जाएगा, चेक चेक द इक्वेशन, इज बैलेंस और नॉट। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर से देख लेंगे कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है, ये एग्जाम में कहीं प्रोसेस को लिखना नहीं है, प्रोसेस को हमें बस जानना है। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेंगे कि जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है
इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी भी नहीं है, बस ये जान लेना है हमें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और एक रिएक्शन को हम दोनों मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड से भी और हाफ रिएक्शन मेथड से भी। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है कि दोनों मेथड से बोला जा सकता है, ऑक्सीडेशन मेथड से भी और रिडक्शन मेथड से भी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, दोनों मेथड से जो है कि बैलेंस करने के लिए कहा जा सकता है। आई बात सुनने? तो हमारा रिएक्शन है Cl2O7 प्लस H2O2 गिव्स Cl O2 माइनस और प्लस O2, ये हमारा रिएक्शन है। अब हम एक-एक काम जो है कि स्टेप वाइज करेंगे, हम ये स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरह से पहले सबको ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये चेक करेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन रिडक्शन में जा रहा है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो 7 2 जा 14, 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 7 आएगा पर एटम, ऑक्सीजन का यहाँ -2 आएगा, यहाँ ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ इसका +1 है, यहाँ निकालेंगे तो 2 2 जा 4 -1 या +3 है, और यहाँ पे इसका 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये घट रहा है, +7 से +3 में जा रहा है। तो पहले तो हमें पता लग गया कि रिडक्शन रिएक्शन, इट इज रिडक्शन, और कितने का रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज बाई 4, +4 का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा रिएक्शन है, यहां से इसको देखेंगे, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा है ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, 0 -1, 0 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, इंक्रीज बाई क्या है, इंक्रीज बाई वन, ठीक है। तो हमने पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लिया और इंक्रीज डिक्रीज पता कर लिया। अब हमें क्या करना था, एलिमेंट को बैलेंस करते हुए इंक्रीज जितना हुआ है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन में, डिक्रीज जितना हुआ है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन में 4 से डिक्रीज हुआ है तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ में हम एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें बैलेंस करना होगा। तो हम एच प्लस, ये हमारा चूंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, इसी में का रिएक्शन हमने कर लिया हुआ था, ये रिएक्शन नोट कर लेना, ये बेसिक मीडियम रिएक्शन है, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे Cl2O7 और इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 H2O2, और यहाँ पे हम 2 Cl2- लिख लेंगे, एलिमेंट को भी साथ साथ बैलेंस करते चलेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे 4O2 लिख देंगे। अब ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बैलेंस करके मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, सारा जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करते वक्त हम देखेंगे कि कहाँ कितना हमें H2O और OH को जोड़ना है, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH ही जोड़ेंगे,
हमारा यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 7। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 7। अब 4 2 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15। यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, इधर हम देखते हैं तो क्या है? 4 है, ये 2 2 4, 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 है। ठीक है, 12 है। अब इसके बाद यहाँ पे कितना है? 15 है, 3 ऑक्सीजन कम है। तो अगर हम यहाँ पे इस साइड में अगर 6 OH- जोड़ दें, ठीक है, अगले स्टेप में हम करेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? Cl2, वही फंडा हम अपनाएंगे, ठीक है, जो पहले करते आए हैं, O2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, 2Cl O2 माइनस प्लस 4 4O2। अब प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे? जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर हम क्या जोड़ते हैं? उसका डबल क्या जोड़ते हैं बोलो? यहाँ पे इधर ऑक्सीजन हमारा 8 है, इधर ऑक्सीजन 7 है, कुल मिला के 15 है। अब हमारा इधर ऑक्सीजन जो है कि 12 है, 3 ऑक्सीजन कम है, तो 3 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 OH- जोड़ देंगे और प्लस यहाँ पे 3H2O जोड़ देंगे। अब ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि हम OH भी इधर ही जोड़ लेते हैं और H2O भी इधर जोड़ लेते हैं, लेकिन अभी हमें बैलेंस चेक करना है कि सारा बैलेंस हुआ कि नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ये जो टेंथ के हिसाब से कर लेते हैं। 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 15, और 15 और 3 कितना हो गया? 18। ये हमारा 3H2O है, 3H2O, ये हमारा 18 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 2 4 है, 4 2 8 है, 14 हो गया। ठीक है, अरे 4 प्लस 8 12 हो गया, 12 और 6 कितना हो गया? 18 ऑक्सीजन हो गया। चलो भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 8, 3 2 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है? अभी हमारा हाइड्रोजन 6 है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे? इधर हमारा कितना 6 है, इधर हमारा 4 है, 4 2 8, 8 और 6 14। अभी हमें 8H+ यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड में इस तरह से हम यहाँ पे वाटर और H2O जोड़ेंगे कि हमारा ये बैलेंस हो जाए। हमें अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ही ऐड करना है, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लो, नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम अब ये यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड शुरू हो गया है, 4H2O2, ठीक है, प्लस 2OH- प्लस 2Cl O2 माइनस
प्लस फोर ओ टू प्लस 5H2O, ठीक है। अब ये कैसे हो गया? ये बस ऐसा होता है कि अब हमने इधर इधर जो है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर एक्स्ट्रा OH जोड़ा और उसको बैलेंस करने के लिए इधर एक्स्ट्रा H2O जोड़ा, तो दो अपोजिट साइड में थे, इधर घट करके बचा 5H2O, इधर घट के बचा OH-, 2OH-, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे लगभग जो है कि 10 हाइड्रोजन कम हो रहा है, 4, 6, 8, 14, तो यहाँ पे लगभग जो है कि 14 है, तो यहाँ पे 8 H की कमी हो रही थी, तो उस 8 H की कमी को बैलेंस करने के लिए हम इधर पे 8 OH- जोड़े, ठीक है, और इधर जो है कि 8H2O जोड़े, 8H2O जोड़े, तो इधर से OH घटा तो 2 बचा। देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसके अलावा हम यहाँ पे 8 OH- जोड़े और इस साइड में एक्स्ट्रा जो है कि 8H2O जोड़े, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये H2O यहाँ पे घटा तो 5 बचा, ये 6 OH यहाँ से घटा तो 2 बचा। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये बैलेंस हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 7 और 4 2 8 15, 15 और 2 17। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 2 ये 4 हो गया, 8 हो गया 12 और 5 17। हाइड्रोजन 4 4 2 8, फिर 2 10 हो गया और 5 2 10, इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो गया। तो अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब हम चार्ज देख लेते हैं कि चार्ज दोनों साइड में बराबर है कि नहीं, 2- इधर है, 2- इधर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा पूरी तरह से बैलेंस है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। सब लोग सो गए हो क्या? हेलो, सर सर हेलो, सबके सब सो गए हो? दीक्षा सिंह, सर हाँ बताओ। यस सर, सर वो आपने हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया समझ नहीं आया। बाकी सारा समझ में आया? यस सर, चलो ठीक है, एक बार फिर से देखो। यहाँ यहाँ पहले हमने प्रायोरिटी दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो हमने रूल बताया है वही रूल फॉलो किया। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उसका दोगुना OH जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पे दोगुना, 3 ऑक्सीजन कम हो रहा था, दोगुना OH जोड़ दिया। उसके अपोजिट साइड में हमने बताया था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ½H2O जोड़ देंगे। हाफ का मतलब जितना OH जोड़े रहेंगे उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। अब हमने नियम के अनुसार काम कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि हमने देखा कि सारा कुछ तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ गई। अब हाइड्रोजन को भी हम बैलेंस करने के लिए OH और H2O का यूज करेंगे, लेकिन आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH और H2O का यूज करेंगे, लेकिन जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर जो है कि हम OH जोड़ेंगे, उधर के सॉरी H2O जोड़ेंगे, उधर क्या करेंगे, H2O जोड़ेंगे, ठीक है। जितना कम होगा उतना H2O जोड़ देंगे और उतना ही OH अपोजिट साइड में जोड़ेंगे। ध्यान दिया, जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना H2O जोड़ देंगे और उतना ही OH अपोजिट साइड में जोड़ेंगे।
अब जोड़ते वक्त ध्यान देंगे जो अपोजिट साइड में होंगे उनको घटा लेंगे। सपोज यहां पे हमने देखा था कि यहां पे हमने H2O जोड़ा था, बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ा था, और इधर हमें फिर 8OH जोड़ना पड़ा माइनस। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन में देखो, इधर 8OH माइनस है, इधर 6OH माइनस है, तो 6OH इधर के साइड में घट जाएगा तो 2OH बचेगा, और इधर हमारा 3H2O है और इधर हमारा 8H2O है, तो हमारे यहां से H2O चूंकि अधिक वाला इस साइड में है तो हम इसमें से 3H2O घटाएंगे तो 5H2O बचेगा। आई बात समझ में? एक बार फिर समझ लो, अगर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। कर लेते हैं, बेसिक मीडियम में अगर ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाता है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना उधर हम H2O जोड़ेंगे, उसके अपोजिट उतना ही OH अपोजिट साइड में जोड़ेंगे। अपोजिट साइड में जोड़ने के बाद हम वहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि H2O और OH दोनों अपोजिट साइड में हैं तो ये निश्चित है कि वो घट जाएंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। वो क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन होगा। आई थिंक अब ये बात समझ में आ गई होगी सबको, सबने बैलेंस समझ लिया होगा। बोलो, किसी को भी देखो प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि हम दोबारा भी ये बताने वाले नहीं हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, शुरू से लेके लास्ट तक सारा स्टेप अभी यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई सर पूछे तो तुम्हारी गलती होगी। हाँ कृष्णानंद सिंह, यस कृष्णानंद, हेलो सर, एक एक एग्जांपल और दीजिए सर, ज्यादा क्लियर होगा। चलो ठीक है। और सर हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। आपका वीडियो पूरा ब्लर आ रहा है, फिर क्रैक हो रहा है पूरा वीडियो। सब में क्रैक हो रहा है या केवल तुम्हारे में क्रैक हो रहा है? कृष्णानंद, तुम्हारे में भी क्रैक हो रहा है और किसके में क्रैक हो रहा है बोलो? दिख रहा है? हाँ सर, मुझे दिख रहा बाकी रुद्र प्रताप कहाँ है, आशुतोष सिंह कहाँ है, ये सब कहाँ है? सुशांत शर्मा, सुशांत शर्मा शांत हो जाते हो क्या तुम? दिख रहा है? सपना यादव नहीं को भी सर सर, दिख आज रहा है। नेटवर्क में आपको बहुत बहुत हाँ कौन, फिर से बोलो जरा। बार बार हाँ क्या हो रहा है? नेटवर्क खोज रहा हूँ सर, और वॉइस आपका बहुत। नेटवर्क सही नहीं है तुम्हारे में ना? वेदर ना ना सर, यहाँ GTC नेटवर्क खोज रहा हूँ सर। मेरे यहाँ अच्छा नहीं है ना नेटवर्क, बार बार आपका वॉइस वॉइस ब्लर भी आ रहा है वीडियो मेरे। चलो ठीक है। अच्छा एक्चुअली बारिश हो रही है ना, इस समय रेन हो रहा है, तो रेन के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी सबको समझ में आ रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन और फटाफट देख ही लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन
हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन वाला ही प्रॉब्लम हो। स्टेप ध्यान में रखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है N2H4+ Cl2+ O3-, गिब्स NO+Cl, NO+Cl-। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इक्वेशन को देखो, हमें जितने रूल हमने बताए हैं, देखो बुक में कहीं कुछ और दिया हुआ है, किसी किसी जगह पे अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो बताया है, एक बार उस पे पहले चल करके देखोगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहला काम क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम अगर निकालेंगे तो 4/2+2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6-1 यानी +5 आएगा। इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे एनओ का, तो अगर ये -2 है तो +2 आएगा, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा ही। ठीक है, कभी हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव फॉर्म में है, ये पॉजिटिव है तो ये -2 आएगा। ठीक है, ये +1 है तो ये -2 आएगा, कभी +2 नहीं आएगा। और ये यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ -2 है, हमने सबका लिख लिया। अब हमें ये पता लग गया कि हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन रिडक्शन में जा रहा है। अब ये -2 से +2 में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीडेशन में है, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। और हमें कितना इंक्रीज हुआ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां से हम 2 -2 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो यहां इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज इंक्रीज बाय बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 4 से इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद इस वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +5-1 में हो रहा है। तो यहाँ पे तो एक तो हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन को भी हम पता करने के लिए क्या करेंगे, यहां से 5-1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ डिक्रीज बाय 6 हो गए, बाय 6। इतने में किसी को कोई भी तकलीफ हो तो पूछ सकता है, इतने में किसी को कोई भी तकलीफ हो तो पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना डिक्रीज हुआ है उसको ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और इधर जितना इंक्रीज हुआ उसको रिडक्शन रिएक्शन में बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 4 है, ये 6 है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो थोड़ा छोटा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमें वही चीज आनी है, तो इसलिए हम पहले ही अगर ये दोनों नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से कट सकते हैं तो उसको छोटा कर लेते हैं, तो हम छोटा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैसे ही करेंगे। तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम 3 N2 एलिमेंट को बैलेंस
देखते हुए भी करते चलना है हमें, क्योंकि यार दो एन है तो यहाँ पे एक एन है, तो हमें यहाँ दो करना पड़ेगा ऑलरेडी। तो सी एन ओ थ्री माइनस गिव्स सिक्स एनओ, और इस वाले हिस्से में हमें फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने फोर कर दिया, और यहाँ पे हमें फोर सी एन माइनस कर दिया। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। बस 5 मिनट हमारे पास बचा है, 5 मिनट में जो है कि ये हमें हो जाना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो 3 4 12 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 12 ओ एच माइनस करें, इस हिस्से में हम क्या कर दें, 3 3 एन एच टू एच 4 प्लस 4 सी एल ओ माइनस 3 माइनस प्लस 6 एच टू ओ गिव्स 6 एन ओ प्लस 4 सी एल माइनस प्लस 12 ओ एच माइनस, ठीक है 12 ओ एच माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन हमें बस चेक करना है, 3 2 4 और 6 2 12 और सॉरी 3 2 6 और 6 6 2 12 12 और 6 18 हाइड्रोजन इधर है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, हमें बस देखना हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या बताया था कि जिधर जितना हाइड्रोजन कम है उतना वाटर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमें अभी 6H2O जोड़ना है और इस साइड में 6OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 6OH माइनस। अपोजिट साइड में हमने क्या देख लिया, इधर भी 6H2O इधर 6H2O, तो ये कट जाएगा और इधर 6OH माइनस बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझे आप, इतना काम करने के बाद हम इसको टोटल कर देंगे और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको करके देख लेना तुम लोग, बात समझ में आ गया है कि हमने लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, तो यहाँ पे हमारे पास 12 हाइड्रोजन था, सॉरी 3 4 जा यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ये 12 है और ये 12 है, 24 हो गया, इधर 12 है, तो यानी यहाँ पे 12H2O जोड़ेंगे, 12H2O जोड़ेंगे और इस साइड में 12OH माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि 12OH कट जाएगा, इधर से 6H2O बचेगा और रिएक्शन को सम कर देंगे। बात समझ आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो कल फिर हम बताएंगे, आज के लिए इतना आ ही। गया। आज इसको देख लो, अटेंडेंस ले लो, आज बहुत ज्यादा लोग आए हैं, 25 42 में से, तो आज हम आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए इक्वेशन के साथ मिलेंगे, और जो भी इसमें बुक में दिया हो सब लोग कर लो, हमें बाद में मत करना है।